बच्चा तो खेलिए रोजगार मतलब खेलिए मतलब सरकार कोच ध्यान ही ना देते आदमी के। और इसका कई बार हम लोग कंप्लेन भी किए, जिला में कंप्लेन किए, विधायक जी को भी कंप्लेन किए, लेकिन इसको सिर्फ आश्वासन हम लोग को मिलता है और कोई इसको देखने वाला नहीं है। आपने कभी सोचा है अगर पानी ना हो तो क्या होगा? आप में से अधिकांश लोग ये कल्पना मात्र भी नहीं कर सकते हैं। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि आप जी रहे हैं, जिसका सीधा अर्थ है आपके पास पानी है। ना सिर्फ पानी, आपके पास पर्याप्त पानी है। आज हम जिसकी बात करने वाले हैं, दरअसल वो भी जी रहे हैं, उनके पास भी पानी है, पर ये पानी उनका अपना नहीं है। इस वाक्य के बाद आपका दिमाग तर्क में लग गया होगा। पानी तो किसी का भी अपना नहीं होता, ये तो प्रकृति की देन है, फिर भी पानी आप बेहिसाब खर्च करते हैं। खैर, आज हम आपको एक ऐसे गांव लेकर चलेंगे जहां विधायक ने मोती जड़ित गुलदस्ता उसमें पानी भर के एक गांव वासियों को दिया था। ये अलग बात है, उस गुलदस्ते में पानी टिका नहीं और बह गया। ये उपहारों का खेल बहुत पुराना नहीं है, यही बस झारखंड विधानसभा चुनाव की बात है। चुनाव से पहले वर्तमान गोड्डा विधायक अमित मंडल गोड्डा के बसंतराय प्रखंड के कैतपुरा गांव वासियों तक साफ पेय योग्य पानी पहुंचाने का वादा करके लौटे थे। विधायक तो बन गए पर पानी नहीं पहुंचा अब तक। ऐसा हम नहीं, गांव वाले बोल रहे हैं, सुनिए। क्या विधायक जी को आपने क्या कहा था, कितना दिन हुआ विधायक जी से शिकायत? विधायक जी जिस टाइम इलेक्शन के समय में आए थे, उस टाइम भी हमने कंप्लेन किया था अपने से, तो आश्वासन दिए थे ठीक है हम इसको ठीक करवा देंगे, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। प्रचार के रूप में आयो रहे, लेकिन आपको बता दें ये मामला पानी टंकी के खराब होने का है। यहाँ करीब 3 साल पहले पानी टंकी बनवाया गया जो 1.5 साल में खराब हो गया। उसके बाद से यह पानी टंकी बंद है और न ही इसमें पानी आता है। गांव के सभी लोग उतने सक्षम नहीं है जिससे वो स्टेट बोरिंग या कुएं अपने घर में लगवा लें। कुछ 5-10 घरों में निजी व्यवस्था है। फिलहाल गाँव का काम एक दूसरे से पानी मांग मांग के चल रहा है, लेकिन ये मांगने देने का काम कुछ रोज तक सही रहता है, फिर ये आपस में लड़ झगड़ बैठते हैं। गांव वालों की आस एकमात्र पानी टंकी है जो विधायक के वादे के पूरे होने का इंतजार कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गोविंद राज, एक्सप्रेस न्यूज, गोड्डा। अभी हम मौजूद है बसंतराय प्रखंड के कैतपुरा ग्राम में। आप हमारे पीछे ठीक देख रहे होंगे कि ये जल मीनार है, जो कि यह जल मीनार जो है यहाँ पर सैकड़ों ग्रामीणों का प्यास को बुझाता था। हाँ, हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अब जो है पिछले 1.5 वर्षों से काम नहीं कर रहा है। हालांकि जब लगा था तो उसके बाद इस जल मीनार से लगभग 1.5 साल लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया था, लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे, लोग इनसे लाभान्वित हो रहे थे। लेकिन अब क्या है कि पिछले 1.5 साल से यह जल मीनार ख़राब है, ना इसको कोई देखने वाला है, ना इसकी कोई शिकायत सुनने वाला है। हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर कई ग्रामीण हैं, इनसे हम बात करेंगे कि आखिर ये जल मीनार कब ख़राब हुई और क्यों नहीं बन पा रहा है। कि नाम पाँचों ज़्यादा पांचू यादव जी है, बताबो है कत्ता दिनों से सोभार वस्तु बनलो छ है? तो 2 साल से बेसी हो गई। 2 साल से बेसी हो गई, कत्ता दिन होलो पानी चलला से? एकरो 1.5 साल लगभग चलले। 1.5 साल ओकरा बाद तो खराब हो गई। कत्ता दिक्कत हो जा? बहुत दिक्कत। कहां जाल पड़े छ पानी वास्ते? पानी वास्ते अब बहुत दूर जाल पड़े छ, दूसरा कली पर हिन्ना जकरा चप्पा छ वहां खुद पानियो नै लेल दै छै। घरो रे अपन स्पेशल जकरा चप्पा छ तो वहां पानी नै लेल दै छै, बड़ा मुश्किल छ हमरा। अब नए साल के शुभ अवसर पर तुस्तिया इंटरनेशनल होटल गोड्डा प्रेजेंटिंग न्यू ईयर ईव पार्टी 2021। गोड्डा में पहली बार नए वर्ष की पूर्व संध्या पर यानी 31 दिसंबर की रात होगा ग्रैंड मस्ती, जिसमें होंगे गाला डिनर, डीजे म्यूजिक एवं डीजे डांस का तड़का और साथ ही ढेर सारी मस्ती। कपल्स के लिए विशेष छूट। टिकट बुक करने के लिए संपर्क करें 8825107838 या 9693261694। आप देख सकते हैं कि एक जल मीनार है जिससे कि सैकड़ों लोग कह सकते हैं कि इससे फ़ायदा लेते थे, लेकिन अब जो है इसकी जो महत्वता है वो खत्म हो गई। खत्म इसलिए कि आप देख सकते हैं कि यह जल मीनार है, कुछ बच्चे यहाँ पर ये खेलने का एक वस्तु, शोभा की वस्तु बन के रह गए। हमारे साथ एक और ग्रामीण है जो अभी हमारे साथ थे और उन्होंने इस चीज़ पर हमें फोकस डालने को कहा। हिना बना हिना बना की नाम? लाल मोहन यादव।
यादव जी है बताबो है कत्ता दिनों से खराब छै की तकलीफ छै डेढ़ सालों से एकदम तकलीफ छै की तार टूट जाय छै अथी गिरी गेलो छै कोई चीज अगर देखबै या कोई प्रभारी आय आने आबै छै केकरो कहलो हां सबका कही के लिए पीएच डायरेक्टर एक दो लिखित भी देले छै छले सियाराम यादव अथी पीएचडी में डिलीवर वो आइले लेकिन वो कल के हमरा तब रिटायर हो गेलियौ अब हम की करबौ अब तो पतरगमा में मिस्त्री जगरो रांची में छौ देखो कहीं विधायक जी कहियो आबै छै ने कभी नै आइलो छै पूछि लो क्या नाम है मेरा नाम संजय ठाकुर हुआ ठाकुर जी ये बताइए कि इस जल मीनार चालू नहीं होने से कितने लोगों को परेशानी हो रही क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है लोगों को इस जल मीनार से लमसम 100 घर को परेशानी हो रही है जिसमें 1000 आबादी है हम लोग इस जगह भी अच्छा। जो कि सभी को परेशानी हो रहा है काफ़ी परेशानी हो रहा है इसमें मतलब हम 100 जो कर रहे थे वो कम है हाँ बिल्कुल कम है हम बच्चा फिर खेलिए रोजारो मतलब खेलिए रोजे मतलब सरकार कुछ ध्यान ही ना दी आदमी का विधायक विधायक खाली कहे जा रहे अपना अपना काम अब रहे कभियो नहीं लो जी यहाँ जया जितल जो विधायक जी यहाँ हुलकल ना आबे जे कोई परवाह नहीं ना क्योंकि कहते हैं कि जल की जो आवश्यकता है वो जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती है और अगर जल से ही लोगों को जूझना पड़े जल की समस्या हो जाए तो ये बहुत बड़ी समस्या है ऐसे में विधायक जी को भी सोचना चाहिए क्योंकि ऐसे वादे खोखले वादे करना कहीं से भी मुनासिब नहीं है वो भी जल को लेकर क्या कह रहे थे आप एक चीज़ और कह रहे थे ये जिसने भी मतलब कि ये टंकी बनाया है ये टंकी सही नहीं बनाया है पहली बात तो इसमें लीक होता है पूरे दिन 24 घंटा पानी इसका टपकते रहता है नीचे इसका भी कंप्लेंट किए थे ठेकेदार से तो वो बोला कि निपापोती कर दिया बोला कि ये सही हो जाएगा उसके बाद ऊपर में जो है इसका मेन ढक्कन नहीं है इसमें कई बार मतलब कि पक्षी मर के उसमें सड़ जाते कीड़ा हो जाता है और उसी पानी को हम लोग बच्चे से पीते हैं जिससे कई बार बीमार भी हो चुके हैं बच्चे यहाँ पर इसका कई बार कंप्लेन भी कि हम लोग मुखिया से भी कंप्लेन किए लेकिन इसका कोई सुनवाई नहीं होता ऊपर ढक्कन भी लगना इसका बहुत ज़रूरी है जिसमें कि दो बार कौवा मर चुका है मैना भी मर चुका है और कीड़ा हो जाता है उसमें ये विधायक अमित मंडल जी का क्षेत्र है और इस क्षेत्र के लोग विधायक जी से काफ़ी नाराज़ है नाराज़गी का कारण यह जलमीनार है आप समझ सकते हैं कि जब इंसान का हवा और पानी बंद हो जाए तो लोग कैसे जी पाएंगे दोनों आवश्यकता इस कदर हो जाता है कि आजकल के ज़माने में हवा और पानी दोनों के लिए जूझना पड़ता है अगर हवा प्रदूषित हो जाए तो आप समझ सकते हैं अगर पानी मिलना बंद हो जाए तो भी आप समझ सकते हैं ऐसे में ग्रामीणों का गुस्सा जायज़ है और हम एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि विधायक जी कम से कम अपने वादे पर खड़े उतरिए और कैतपुरा का यह जल मीनार जल्द से जल्द आप बना दीजिए ताकि यहाँ के लोगों की प्यास बुझ सके ज़रूरत के काम हो सके मैं आशुतोष आनंद अपने सहयोगी सुमित कुमार के साथ।